आप देख रहे हैं अपना समाचार। का जो वो ना कैरेक्टर बहुत प्यारा कैरेक्टर है उसमें। लड़की बहुत सिंपल सी रहती है और बहुत चुलबुली भी है और बहुत इमोशनल भी है। उसके पीछे की कहानी भी कुछ और है और आगे उसके साथ जो चीज़ें होती है वो प्यार करती है, लेकिन प्यार को पाना ही सब कुछ नहीं होता है। वो प्यार को खुश देखना चाहती है या देखना चाहता है, वो आपको फिल्म देख के लगेगा पता। लेकिन आसरा फिल्म बहुत प्यारी बनी है, जब भी वो रिलीज होती है प्लीज़ आप सभी देखिएगा। ईंट भट्टे काम करना कैसा लगा, वो जिंदगी जीना आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार सच बताऊँ, पहले एक दो दिन तो बॉल ना टैनिंग और वो सब फील हो रहा था कि क्या मतलब यहाँ पे क्यों, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, बहुत ठंडी जगह से, तो इस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक दो दिन बाद जब बहुत सारे लोग थे, अनीता जी थी, वो बहुत फ़नी हैं, हमारे डायरेक्टर सर वो भी बहुत फ़नी हैं, तो उन्होंने ना बाद में वैसा फील होने नहीं दिया कि आप इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, क्योंकि सब लोग वैनिटी नहीं थी और हम लोगों ने वो कैरेक्टर को जिया है। जैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे थे हमने वैसा काम, मैंने ईंटें बनाई है वहाँ पे लिटरली, वो सीखी है मैंने सांचे में ईंटें डाल के, वो मिट्टी डाल के वो ईंट बनाना, सांचे ही बोलते हैं ना, हाँ वो उसमें कहीं गलत ना हो तो वो डालना, वैसे ईंट बनाना, वैसे मैंने बनाए हैं प्रॉपरली और लोग वहाँ काम करते हैं इतनी गर्मी में, तो वो कैरेक्टर मैंने जिया है। मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है और वो आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। रितेश पांडे जी के साथ कैसे केमिस्ट्री रही, कितना पसंद आया वो, एकदम वो डर डर के प्यार करने वाले लवर? वो बहुत शाय है और बहुत बहुत सिंपल है, मतलब वो ना सेट पे ज़्यादातर चुप ही रहते थे तो हम लोग ही मस्ती करते थे उनके साथ, तो उनका उनका रहता है बहुत शांत स्वभाव, तो वो बहुत शांत स्वभाव के बहुत बहुत प्यारे हैं वो भी। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें रत्नाकर कुमार जी, वर्ल्ड वाइड कंपनी जिन्हें फिल्म प्रोड्यूस की, इतने एक अलग स्टोरी पर काम किया, क्या कहना चाहेंगे? रत्नाकर सर जब भी कोई चीज़ें लेके आते हैं तो डिफरेंट होती है, अभी आप देख ही रहे होंगे संघर्ष, तो रत्नाकर सर के लिए यही कहना चाहूँगी कि जब सर ने हमारी स्टोरी सुनी और देखा कि हाँ, मतलब मैं तो उनके लिए नई थी, जब वो एक बार सेट पे आए थे ना तो उनको वो बहुत इम्प्रेस हुए थे कि हाँ ठीक है ओके लड़की कुछ कर रही है, अदरवाइज उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि यार नया आर्टिस्ट है कैसे क्या होता ही है सभी प्रोड्यूसर्स को, लेकिन सर ने बहुत सपोर्ट किया। तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर दर्शकों से? फिल्म को लेके यही कहना चाहूँगी कि बहुत प्यारी फिल्म है, प्लीज़ उसे देखिएगा, और जैसे ट्रेलर को बहुत सारा प्यार दिया, मटिए में सोना बा गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसमें बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं और बहुत प्यारी लव स्टोरी है, प्लीज़ आप देखिएगा। तो मैम दो लाइन मटिए में सोना गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ मैं बाथरूम सिंगर हूँ फिर भी थोड़ा सा। माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना बा, तोहरा के देख के लागे मटिए में सोना बा, तोहरा के देख के लागे।